जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल की लब आजाद है तेरे में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। वो सवाल आज भी मुंह बाहे खड़े हैं मगर उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं। उस शहादत पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। उस शहादत के चलते देशभक्ति की एक ऐसी परिभाषा गढ़ी गई कि जो भी इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल उठा रहा था उसको देश का गद्दार बता दिया जा रहा था। और आज एक साल बाद भी दोस्तों वो नहीं बदला है। मगर आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखने आया हूं और इन सवालों के हमें जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि अगर हम इन सवालों के जवाब नहीं देंगे तो इससे बड़ी तौहीन हमारे शहीदों की नहीं हो सकती। सबसे पहला सवाल दोस्तों, हिंदू की इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, क्या आप जानते हैं 25 केजी प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स के जरिए यह धमाका कराया गया। पहले यह थ्योरी भी आ रही थी कि करीब 300 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। मगर खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। इस खबर के मुताबिक जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड द एक्सप्लोजिव्स कुड नॉट हैव बीन परचेज्ड ऑफ द शेल्फ एज इट वॉज वॉरफेयर एमिनेशन generally found in military stores। यानी कि आप ये जो explosives हैं ऐसे ही नहीं खरीद सकते थे, इन्हें बाकायदा military stores से खरीदा गया है। ये war ammunition है जो सैनिक इस्तेमाल करते हैं। तो इस आतंकवादी के पास इस तरह का असला बारूद आया कहां से? अगर पाकिस्तान से आया है तो क्या इतनी बड़ी तादाद में explosives आ जाते हैं हमारे देश के अंदर? क्या इससे पहले ऐसा कोई नजीर, ऐसी कोई मिसाल हुई है जब इतनी बड़ी तादाद में एक्सप्लोजिव्स, मैं बंदूकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑटोमेटिक राइफल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सप्लोजिव्स की बात कर रहा हूं, क्या इससे पहले इस इतनी बड़ी तादाद में वहां पर उभर कर आए? और यही नहीं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सुसाइड बॉम्बर था उस शख्स का नाम था आदिल अहमद डार। यह शख्स उस हमले में मारा गया था। क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा दो और संदिग्ध थे, मुदासिर अहमद खान और सज्जाद भट्ट? ये दोनों ही एनकाउंटर में मारे गए। मेरा दूसरा सवाल, जो ये दो लोग और एनकाउंटर में मारे गए, क्या इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी? क्योंकि अगर ये जिंदा पकड़े जाते तो जरूर हमें कई चीजें सामने उभर कर आती। मुद्दा नंबर तीन जो आपके स्क्रीन पर है, अब तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं की। एनआईए कहता है चार्जशीट हमने इसलिए फाइल नहीं की, और वो किस लिए नहीं की, क्योंकि सभी लोग मारे जा चुके हैं। इतना बड़ा आतंकवादी हमला और उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। मगर इसको लेकर सियासत लगातार हो रही है दोस्तों। आज राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, हम राहुल गांधी पर यह आरोप लगा सकते हैं कि वो पुलवामा पर सियासत कर रहे हैं, मगर जो सवाल वो उठा रहे हैं ना, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि ये सियासत करना है या नहीं है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आज हम 40 सीआरपीएफ जवानों को याद कर रहे हैं, उन शहीदों को याद कर रहे हैं, हमें कुछ सवाल पूछने चाहिए। सबसे पहले, इस हमले से फायदा किसको हुआ? जो पूरी जांच हुई इस हमले को लेकर उसका निष्कर्ष क्या निकला? नंबर तीन, भारतीय जनता पार्टी सरकार से किसे जवाबदेह बनाया गया है सुरक्षा में हुई चूक को लेकर? ये तमाम सवालात हो सकता है इसे आप सियासी समझें, मगर क्या ये सवाल पूछे जाने चाहिए थे? और भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देती है? राहुल गांधी, नॉन सिंपथाइजर ऑफ लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद, चूजेस टू टारगेट नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट सिक्योरिटी फोर्सेस एज वेल। यानी कि आपने राहुल गांधी को आतंकवादी बता दिया, आतंकवादियों का हमदर्द बता दिया। जैसे मैंने कहा ना, एक साल गुजर गया है और कुछ नहीं बदला है, मगर इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर जैसे ही बीजेपी से सवाल किए जाते हैं वो इस तरह के शिगुफे छोड़ते रहते हैं। 16 फरवरी दोस्तों, आज से ठीक एक साल बाद मैंने कुछ सवाल किए थे, उन सवालों का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। आप देखना चाहेंगे, सिर्फ 2 दिन बाद मैंने यह वीडियो किया था, 17 जनवरी। इस तारीख पर गौर कीजिए, इस तारीख को श्रीनगर के सेंट्रल राजबाग एरिया में ग्रेनेड फेंका जाता है, एक ऐसी जगह पर जहां घर हैं, ऑफिसेज हैं और मीडिया संस्थाएं हैं। कई लोग यहां पर घायल हो जाते हैं दोस्तों।
48 घंटे बाद दो और ग्रेनेड हमले होते हैं, यानी कि 18 जनवरी को, और इसमें ग्रेनेड हमले होते हैं श्रीनगर और शोपियां में। इन दोनों घटनाओं के पीछे जैश ए मोहम्मद। इसके बाद 10 फरवरी यानी से 5 दिन पहले एक ग्रेनेड हमला होता है सीआरपीएफ कॉन्टिंजेंट पर और इसमें 11 लोग जख्मी होते हैं श्रीनगर के लाल चौक में। आप मुझे बताइए दोस्तों, बाकायदा एक रेकी की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। और इसके अलावा अब गौर कीजिए आप इस लेटर पर। यह लेटर बाकायदा सीआरपीएफ को भेजा गया था, इसमें कहा गया था, आप 7 फरवरी का यह लेटर है, आप इसमें देख सकते हैं, चेतावनी दी गई थी कि आईईडी के जरिए हमला हो सकता है, आपको सतर्क रहना होगा। आइए इस लेटर को आपके पूरे स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, इस लेटर में बाकायदा चेतावनी दी गई है। अब हम रुक करते हैं 7 फरवरी का एक बार दोस्तों। उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर देश के सेना प्रमुख आए थे और जनरल बिपिन रावत से यह सवाल किया पत्रकारों ने कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है? तो जानते हैं सेना प्रमुख ने क्या कहा कि हम हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। सुनिए। चुनाव से पहले क्या इस तरीके से वो बड़ी कोशिश कर रहा है, इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके के हैं? यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी, बावजूद इसके हमला हुआ। वो जो 300 किलोमीटर का रास्ता है, जब हमारी ये 78 बसेस जा रही थी जिनमें हमारे 2500 वीर सवार थे, उसे सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जब प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर या राज्यपाल का रूट लगता है तब तो आप आम इंसान को बहुत परेशान करते हैं, मगर हमारे सैनिक जब जाते हैं तो उन्हें इस तरह से हालात का सामना करना पड़ता है, क्यों? और ये तो बख्तर बंद गाड़ियों में भी शामिल नहीं थे, सवार नहीं थे, ये तो बसों में सवार थे। क्या ये सवाल उठाए नहीं जानी चाहिए? मीडिया तो चलिए भूल जाइए, मगर क्या ये सवाल आपको नहीं उठाना चाहिए? ये इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि किस आधार पर पार्टियां इस पर वोट मांग रही हैं? बात यहीं नहीं रुकती दोस्तों, फिर ये किरदार अचानक आ जाता है, नाम इसका देविंदर सिंह है, पुलवामा का रहने वाला है। गौर कीजिए, पुलवामा का रहने वाला है। यह शख्स दो आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है हाल ही में। एक शर्जील इमाम कोई वाहियात बयान दे, बेतुका बयान दे, उस पर आप देशद्रोह का मुकदमा कर देते हैं। आप हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर NSA लगा देते हैं। आप डॉक्टर कफील, जिसे अदालत बेल पर रिहा कर देती है, उस पर भी NSA लगा देते हैं, मगर आज तक देविंदर सिंह पर कोई देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया गया है। और BBC की इस खबर के मुताबिक जब यह व्यक्ति पकड़ा जाता है तो यह क्या कहता है कि आप खेल को समझो, खेल बिगड़ जाएगा। बताइए, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने कुछ सवाल किए थे देविंदर सिंह पर, मैंने जो शो किया था उसके कुछ अंश फिर से देखिए। आप देखिए दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अफजल गुरु एक आतंकवादी था, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि देविंदर सिंह, जिसके ताल्लुकात लगातार आतंकवादियों से दिखते हैं, चाहे 2001 हो चाहे 2019 हो, आखिर इस शख्स को प्रेसिडेंट्स ब्रेवरी मेडल कैसे दिया जा सकता है? इसे श्रीनगर एयरपोर्ट जैसी सेंसिटिव पोस्टिंग कैसे मिल सकती है? क्या आपको इस सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि इस देश की जनता ने सवाल पूछने बंद कर दिए अपने सरकार से, और यह अपने आप में हैरत की बात है, क्योंकि आज से करीब 1 साल पहले पुलवामा में हमला होता है, हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। क्विंट की एक रिपोर्ट सामने आती है जिस वक्त, जो आपके स्क्रीन पर है, और यह रिपोर्ट यह दावा करती है कि CRPF लगातार होम मिनिस्ट्री से यह कह रहा था जनवरी और फरवरी में कि आप हमें एयर ट्रांसफर करवाएं, हमें जमीन से ना भेजें, क्योंकि सुरक्षा को लेकर कई इश्यूज हैं। यही नहीं, उनके पास बख्तर बंद गाड़ियां नहीं थी, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स नहीं थी। नतीजा आपके सामने है। यह बात अलग है कि इस खबर के मुताबिक सरकार ने क्विंट की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर लिया था, मगर इस वक्त आपके स्क्रीन पर कुछ और स्क्रीन शॉट्स हैं। BSF ने भी होम मिनिस्ट्री से यह अपील की थी कि आप हमें एयर ट्रांसफर यानी प्लेन के जरिए ट्रांसफर कराएं, इसे भी
होम मिनिस्ट्री ने खारिज कर दिया था। अब ये तो सरकारी दस्तावेज सामने मौजूद हैं, सरकार इसे तो खारिज नहीं कर सकती। दुर्भाग्य की बात यह है कि सीआरपीएफ ने अपनी तरफ से जो अपील की थी उसके कोई सरकारी दस्तावेज मौजूद नहीं, इसलिए शायद सरकार ने उसे खारिज कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से पुलवामा पर हमने अपनी सरकार से कोई सवाल नहीं किया और जिन पत्रकारों ने सवाल किया उन्हें देशद्रोही करार दे दिया गया, इसी तरह से देवेंद्र सिंह का यह मामला जिसके ताल्लुक आतंकवादियों से है उसे भी दफन कर दिया जाएगा। आज के तमाम सवाल उठाना गलत है दोस्तों। ढेरों खबरें आ रही हैं चुनावों के दौरान। आपको याद होगा कि शामली में एक शहीद की मां ने कहा था कि मुझे पाकिस्तानियों की लाशें देखनी हैं। कहां हैं वो लाशें? इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, बड़े बड़े अखबार भी भारत सरकार के इस तर्क को नहीं मानते हैं कि हमने वहां पर बड़ी तबाही पहुंचाई थी। मगर यह सवाल इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं कर रहा है, एक शहीद की मां ने किया था, शामली की शहीद की मां ने किया था कि बताओ मुझे उन पाकिस्तानियों की लाशें कहां हैं। तब क्या हुआ था बताइए? और अब भी झारखंड में कई शहीदों के जो रिश्तेदार हैं अब भी वो राहत सहायता का इंतजार कर रहे हैं। इस खबर के मुताबिक इन्हें आश्वासन दिया गया था, हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी उन शहीदों का नाम लेकर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आपको छप्पर फाड़ सीटें तो दे दी झारखंड ने, मगर फिर ये पूरी सरकार उन शहीदों को भूल गई। अरे कम से कम इंटेलिजेंस फेलियर को जवाब नहीं देना है मत दो, राहुल गांधी के सवालों को जवाब भी मत देना है मत दो, मान लो वो सियासत है, मगर कम से कम हमारे शहीदों की तो इज्जत करो। या वो भी तुम करना नहीं चाहते? क्या उन्हें भी इज्जत देना देशद्रोह है? क्या उनके भी सवाल ट्रीजन है? इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम कायर हो। तुम छद्म राष्ट्रवाद, छद्म देशभक्ति की आड़ में छुपकर अपनी सियासत खेलते हो और इस देश के मुस्तकबिल के लिए, इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात नहीं है। बोल खिलाफ आजाद है तेरे में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि हमारे चैनल न्यूज क्लिक को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है ना दोस्तों से जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। नमस्कार। Thank you.